जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त तो अब अदालतों में ही गुजरता है शुक्रिया इस हुकूमत के, तो इसमें जो अहम मुकदमात थे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो आज हमारा सबसे अहम मुकदमा था वो जस्टिस तारिक शेख साहब की अदालत में थे, जहाँ पे हमने चैलेंज किया था कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जिस तरह से ज़मान पाक के ऊपर हमला किया गया और अदालत के अहकामात को की धज्जियाँ उड़ाई गई, उसके ऊपर हमने तोहीन अदालत के मुकदमा फाइल किया था तारिक सलीम शेख साहब के पास। इसमें जो चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सीसीपीओ, चीफ मिनिस्टर, इन तमाम को नोटिसेज जारी कर दिए गए हैं और ये मुकदमा अब अगले मंगल के लिए दोबारा इनके रिप्लाई का जो है उसके बाद ये दोबारा हियरिंग होगी और यहाँ पे जो एक वाज़े तोहीन अदालत हुई है उसके ऊपर जज साहब ने बड़ा वाज़े मौकफ अपना दिया है और उन्होंने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा हमें हर सूरत पाकिस्तान में और ये जो चीज़ें हुई हैं वो इन अ बैड टेस्ट हैं। और जज साहब ने बल्कि जो इस वक्त जुडिशरी के ऊपर एक कैंपेन है उसके ऊपर भी बड़ी बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कैंपेन कर रहे हैं मैं उन्हें खुद सो मोटो नोटिस दे के कंटेम्प्ट में बुलाऊंगा। ये बड़ा मैं समझता हूँ एक पावरफुल कॉमेंट था आज जस्टिस तारिक साहब का। और इसके साथ दूसरा मुकदमा ये था कि खान साहब के जो मुकदमों की फहरिस्त है वो अभी तक पूरी जो है वो नहीं दी गई, इसके ऊपर भी जज साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मुकदमों की फहरिस्त आजकल व्हाट्सएप का दौर है, ये तो शाम तक आ जानी चाहिए और अब एक हफ्ता के करीब हो गया है आप लोग मुकदमों की फहरिस्त ही नहीं बना सके। और अदालत ने किसी भी नए मुकदमे में खान साहब की जो कर्ज़ मैयर है या गिरफ्तारी है उसको रोक दिया है कि कल तक जब तक ये मुकदमों की फहरिस्त सामने नहीं आती और हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से मुकदमे और हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए, उससे पहले हुकूमत किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं कर सकती। तीसरा हमने ये कहा है कि इतने ज़्यादा मुकदमे हैं इनमें आप एक ओमनी बस बेल जो है वो दें ताकि अदालत की मर्जी के बगैर गिरफ्तारी ना हो सके, उसके ऊपर कल तक जो कल से आर्गुमेंट्स जो हैं वो शुरू होंगे इसी अदालत में और इस ये बड़ा अहम मुकदमा होगा और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अहम है कि इसको लेके जाया जाए। इसके बाद जो बेल्स हैं प्रोटेक्टिव बेल्स हैं खान साहब की वो तो एक रूटीन मैयर है, वो उसमें बेल्स जो हैं वो अलाउ कर दी गई हैं। दूसरा जो अहम बात है वो ये है कि हमने दो और रिट पटिशन दाखिल की हैं। एक रिट पटिशन जो है वो हमने दाखिल की है कि जो जुडिशली है वो अपने आरओज दे इलेक्शन कराने के लिए, ये पटिशन जो है ये मेरी तरफ से तरीके इंसाफ ने फाइल की है, तरीके इंसाफ ने मेरे जरिए फाइल की है और ये पटिशन कल सुबह जो है वो लगेगी। और एक और जो पटिशन हमने की है जो छापे मारे गए हैं कारकुनों के घरों के ऊपर, 500 से ज़्यादा दो दिनों के अंदर पूरे पंजाब में जो है वो छापे और अरेस्ट हुई हैं, लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन इस वक्त 52 लोगों की अरेस्ट जो है वो जाहिर कर दी गई है, रावलपिंडी में जो है वो तकरीबन इस वक्त 46 लोगों की अरेस्ट जो है वो जाहिर की गई है और आज सुबह हसान न्याजी को और अभी इस वक्त सदीक जान को अदालत में पेश किया गया है। और जो कुछ ये कहानियाँ हैं जो आ रही हैं सामने वो बड़ी हॉरिबल है। इसके साथ साथ जुडिशरी के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन शुरू कर दी गई है मरियम नवाज की तरफ से, हरासत में मोहम्मद खान भट्टी की एक वीडियो लाए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरासत के बाद भी इसहाक डार का जो बयान था वो तो मैजिस्ट्रेट के सामने था 164 का, अगर आप हरासत में फिर उस बयान को भी मान लेते हैं अगर मोहम्मद खान भट्टी की हर बात को इस तरह से मानना है तो ये जो एक आपका ख्याल है कि इससे आज़ाद जजिस को आप जो है वो उनको दबाव में ला सकेंगे, आप नहीं ला सकते। और दूसरी फिर जो अहम बात है वो ये है कि एक सेशन अदालत में आज एक पर्चे की दरख्वास्त जो है वो भी नोटिसेज हो गए हैं, उसमें हमने SHO जो रेस कोर्स है उसको हमने ये कहा है कि वो FIR दर्ज करे वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ऊपर, IG पंजाब के ऊपर, CCPO लाहौर के ऊपर और 18 दीगर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने ये जाके जमान पाक के अंदर लूट मार की और जिसके नतीजे में आपने देखा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट हुआ। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स हैं, इंशाल्लाह जो है आज हमारी सीनियर लीडरशिप का
की मीटिंग है, उसमें हम जो पीडीएम ने कल प्रेस रिलीज जारी की है उसके ऊपर गौर करेंगे और अपना मौकफ आपके सामने रखेंगे।